सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो अभी अभी आपको मिला है वो कैंसिल हो सकता है अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे एक फंक्शनैलिटी इनेबल कर दी गई है जिसके अंदर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं इन केस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके लिए यहाँ पे प्रोसेस भी बताया गया है। ये प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि फंक्शनैलिटी टू चेक द स्टेटस ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट फॉर द टैक्स पेयर्स हु हैव टेकन न्यू रजिस्ट्रेशन एट द जीएसटी पोर्टल बट हैव नॉट फर्निश्ड द सेम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एक फंक्शनैलिटी दे दी गई है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन उन्होंने अपना बैंक डिटेल्स अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो इसके लिए अब आपको करना क्या है? इन व्यू ऑफ रूल 10A, ये क्या है रूल अभी हम लोग देखेंगे, ऑफ द सीजीएसटी रूल सच टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन 45 डेज ऑफ द फर्स्ट लॉगिन। जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया उसके बाद जब आपने पहली बार लॉगिन किया फर्स्ट यूजर नेम के साथ, उसके 45 दिन के अंदर आपको बैंक डिटेल्स जो है वो अपडेट करना है। अब इस न्यू फंक्शनैलिटी की जो एनालिसिस है अलोंग विद रूल 10A, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हमारी मैगजीन के अंदर देखने को मिलने वाली है जो कि अगस्त एडिशन में दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स जो हैं आप लोगों को दिए जाते हैं। आगे इसमें बताया गया है द टैक्स पेयर्स में लॉग इन एंड अपडेट द बैंक डिटेल थ्रू नॉन कोर अमेंडमेंट, यानी कि आपको अमेंडमेंट फाइल करना होगा अंडर नॉन कोर अमेंडमेंट ऑप्शन एज द स्पेसिफाइड इन बिलो टेबल। और इसके लिए क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको जाना है सबसे पहले लॉग इन करके टैक्स पेयर पोर्टल में, उसके बाद सर्विसेज रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स और वहां पर बैंक डिटेल्स जो है वो डालते हुए आप सबमिट कर सकते हैं। सर एक चीज बताइए, ये हम लोग नहीं अगर करते हैं तो क्या होगा, तो आइए वो भी देखते हैं रूल 10A क्या कहता है। रूल 10A कहता है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स की बात, इसमें आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी आरईजो 06 हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज who have been granted registration under rule 12 or as the case may be rule 16 shall but not later than 45 days, jo baat usme batayi gayi hai wo same cheez yahan likhi gayi hai ki rule 10A ke accordingly aapko apna bank details update karna hai, lekin agar aap rule 21 padhenge jo ki baat karta hai GSTN to be cancelled in certain cases, तो उसमें एक क्लॉज ये दिया गया है कि अगर आप प्रोविजंस ऑफ रूल 10A का वायोलेशन करते हैं तो भी आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसल किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर सकता है डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल 10 कैपिटल। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जीएसटी पोर्टल की तरफ से ये निकल के आ रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद करना क्या है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यहां भी चीजें बताई जा रही हैं, द टैक्स पेयर हु हैव रजिस्टर्ड एट द जीएसटी पोर्टल बट हैव नॉट येट फर्निश्ड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट इट एट द जीएसटी पोर्टल थ्रू नॉन कोर अमेंडमेंट, और ये कब तक करना है, विद इन 45 डेज ऑफ द फर्स्ट लॉग इन हेंसफोर्थ।